ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता। अब मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आपका दिया है, तो रेडियस जो है सभी का, सभी स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर का जो रेडियस है वो ए है। सभी का रेडियस क्या दिया हुआ है? ए। और आपको सभी के कारण निकालना है, ये ए बी है मान लीजिए, ये सी, तो सभी में करंट आपका थ्रेड कर रहा, मूव कर रहा है। करंट कहां से मूव करना शुरू हुआ? मान लीजिए यहां से आई करंट, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो आपको निकालना है ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर एट ओ, सभी में जो करंट मूव कर रहा है दैट इज आई। तो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये आपका आर है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है आप आर मान सकते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या है? आर है। जल्दी निकालिए सभी को, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ऑल करंट कैरिंग कंडक्टर। जीरो आएगा, क्या आएगा या कितना आएगा आपको निकालना है। बताइए सभी कोई, सम्यक का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। चेक करते हैं हम लोग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर, ठीक है।
तेजस्विनी का आंसर आया आपका डी ऑप्शन। सभी कोई अलग अलग ऑप्शन दे रहे, प्रतीक का ऑप्शन ए है, तेजस्विनी का डी है। द करेक्ट आंसर इज सी, किसी का सी नहीं आया अभी तक, तो द करेक्ट आंसर इज सी। वो सी कैसे आएगा वो फाइंड करना आपको, सी कैसे आएगा फाइंड करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए सभी कोई, टाइम दिए, सिर्फ सॉल्यूशन देखने से नहीं आपको अटेम्प्ट भी करना है। जल्दी सभी कोई, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरे भाई एक के कारण निकालिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पार्ट है ना, 6 6 आपका लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर और फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या, लेंथ है पार्टिकुलर, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है ये, तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है। जल्दी कीजिए सभी कोई, आगे आंसर सभी का बताइए। देखिए यहां ध्यान से देखिए सभी कोई, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता है क्या कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू वन करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, देखिए ए नहीं आएगा क्यों, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस देखना आपको, करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे ये है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, ये आर आएगा, ये क्या आएगा आपका आर, हर जगह आप आर ले सकते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये आपका आर आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर है, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और फॉर्मूला आपको पता है साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू। जब भी फाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको R का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले आपको R का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक R नहीं मिलेगा तब तक आपका आंसर, और ये एंगल भी तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो कभी भी जो हेक्सागोनल है, ठीक है, वो एंगल कितना सबटेंड करेगा, 60 डिग्री, ये हमेशा पता होना चाहिए आपको। क्यों, देखिए पूरा एंगल क्या है आपका 360 डिग्री, पूरा एंगल क्या है 360 डिग्री, और अपॉन एन, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ साइड, तो क्या होता है 6, 360 डिग्री अपॉन 6 तो क्या आएगा 60 डिग्री। तो हर एक जो एंगल बनेगा दो डायगोनल के बीच का एंगल क्या होगा 60 डिग्री, यहां भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, यहां भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, यहां भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और यहां भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री, और ये जब पूरे ऐड करेंगे 60 प्लस 60 सिक्स टाइम तो क्या आएगा पूरा कंप्लीट एंगल 2 पाई 360 डिग्री, क्या आएगा 2 पाई 360 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक का जो ये एंगल आएगा वो क्या होगा 60 डिग्री, यहां भी एंगल क्या होगा 60 डिग्री। अब थोड़ा देखिए यहां पर ये आपका एंगल क्या है 60 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर है, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो यहां पर भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री, और यहां पर भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ये भी एंगल, तो ये भी फाइ और ये भी क्या है फाइ, ठीक है, ये भी क्या है फाइ, ये भी एंगल फाइ और ये भी एंगल क्या है फाइ, दोनों बराबर है क्योंकि बिल्कुल बीच से आपका लाइन है आर। तो 60 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कीजिए तो ये भी एंगल क्या होगा 30, ये भी एंगल क्या है 30। अब देखिए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दीजिए, इस पॉइंट को नाम दे रहे एम, इस पॉइंट को क्या दे रहे एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इन ट्राइंगल ए एम ओ, इन ट्राइंगल ए एम ओ टेन फाइव, टेन फाइव इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, अपॉन बेस, tan phi is equal to क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से हमको बेस निकालना है, ठीक है। देखिए अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये वाला डिस्टेंस तो आपको नहीं पता,
कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वही फिर हाइपोटेनस आएगा, नहीं पता। पर जब टैन थीटा लगाएंगे, टैन फाई, तो क्या आएगा, सामने का परपेंडिकुलर ए एम और अपॉन बेस, बेस मतलब क्या आर। अब देखिए ये भी आपको पता है ये कितना है ए बाय टू, और ये भी क्या है ए बाय टू। जब ये पूरा लेंथ ए है और ये आपका आपका परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, तो ये क्या आएगा आपका बिल्कुल 60 डिग्री के बिल्कुल बीच से आ रहा है, 30 डिग्री 30 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा ए बाय टू, और ये भी क्या होगा ए बाय टू हाफ। तो यहां से क्या आएगा आपका टेन थर्टी, टेन फाइव मतलब क्या टेन थर्टी डिग्री, टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू व्हाट ए बाय टू, ठीक है आर। तो यहां से आर क्या आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू ए बाय टू और टेन थर्टी डिग्री, तो टेन थर्टी डिग्री का वैल्यू आपको पता है रूट थ्री बाय टू, ठीक है, और वन अपॉन रूट थ्री, टेन थर्टी का वैल्यू क्या होता है वन अपॉन रूट थ्री। तो यहां से ए अपॉन और ये क्या आ गया आपका टेन थर्टी, आर इज इक्वल टू वैल्यू आ गया आपका, ठीक है, जब टेन थर्टी का वैल्यू पुट करेंगे वन अपॉन थर्टी, टेन सिक्सटी का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री, तो टेन थर्टी वन अपॉन रूट थ्री, टेन फोर्टी फाइव वन, और टेन सिक्सटी क्या होता है रूट थ्री। तो जब वन अपॉन रूट थ्री पुट करेंगे तो वन अपॉन रूट थ्री मतलब क्या ऊपर चला गया ये, तो रूट थ्री बाई टू और ए, तो ये आपको निकल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपको रिक्वायर्ड था, क्योंकि बिना आर का क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये आर आपको चाहिए ही चाहिए, और फाइव वन और फाइव टू का वैल्यू भी मिल गया आपको 30 डिग्री 30 डिग्री, तो बिना आर का ये न्यूमेरिकल नहीं बन सकता था। तो आप निकाल लिए क्या कि हर एक वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, हर एक करंट कैरिंग वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस, हर एक वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस ये आप फाइंड कर चुके हैं, ये आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आप फाइंड कर दिए कितना है, तो आर इज इक्वल टू व्हाट रूट थ्री अपॉन टू ए। अब देखिए सिंस आपको पता है क्या, हर जगह आप कहीं भी जब एलिमेंट लेंगे तो हर जगह से एंगल क्या है 60 डिग्री, तो हर जगह जो फाइव वन और फाइव टू का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री आएगा, 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दी, पहले एक करंट कैरिंग वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो बी वन निकाल रहे हैं, मान बी निकाल रहे हैं, एक स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण एट ओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई अपॉन आर का वैल्यू क्या है, तो रूट थ्री, ठीक है ए बाई टू चला गया इधर, ठीक है रूट थ्री ए बाई टू, नो साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव वन मतलब साइन थर्टी प्लस साइन थर्टी, तो वन बाई टू और वन बाई टू, साइन थर्टी का वैल्यू क्या होगा वन बाई टू, और यहां भी क्या होगा साइन थर्टी वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू क्या होगा वन, तो यहां पर इंटू क्या आएगा वन ही आएगा। तो ये आपका एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला, क्या निकला एक के कारण। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, तो आउटवर्ड डायरेक्शन है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, क्यों, क्योंकि जब आप थंब यहां रखेंगे तो इधर क्या आएगा इनवर्ड, जो फिंगर का कर्ल का डायरेक्शन आएगा इधर आएगा, तो इधर इनवर्ड होगा, और अगर ऑब्जर्वर करंट कैरिंग कंडक्टर के अपोजिट में है तो इसको क्या दिखेगा आउटवर्ड, यहां भी क्या होगा इधर इनवर्ड तो इधर क्या होगा आउटवर्ड, यहाँ इनवर्ड तो यहाँ पर आउटवर्ड, यहाँ पर इनवर्ड तो यहाँ पर आउटवर्ड, इसके कारण भी यहां पर क्या इनवर्ड तो यहाँ पर क्या आउटवर्ड है। तो हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है, मतलब सभी एड होगा, सभी क्या होगा एड, कितना ऐड होगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टाइम ऐड होगा। तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिटन एज बी नेट इज इक्वल टू, ठीक है सिक्स टाइम्स ऑफ बी, जब एक के कारण इतना है तो छह करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कितना होगा, तो सिक्स टाइम्स ऑफ बी, यही आएगा सभी के कारण, क्योंकि सब जगह एंगल वही है, आर भी वही आएगा, तो दिस इज द फाइनल आंसर क्या होगा, तो मी नॉट अपॉन फोर पाई, ठीक है सिक्स इंटू टू क्या होगा ट्वेल्व आई अपॉन रूट थ्री ए। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, फोर इंटू थ्री, ट्वेल्व को क्या लिखेंगे, ट्वेल्व कैन बी रिटन एज फोर इंटू थ्री, और फोर इंटू थ्री को कैसे लिखेंगे, तो फोर इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो ये थ्री आएगा। अब ये रूट थ्री यहाँ डिवाइड में है और यहाँ ऊपर रूट थ्री, तो एक रूट थ्री क्या हुआ कैंसल, तो दिस इज द फाइनल आंसर एट ओ, एट ओ। अगर वेक्टर फॉर्म में देंगे तो हमें डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड
due to hexagonal at O center is what? Mu naught upon 4 pi. ठीक है, 4 i, 4 root 3 i upon a. Upon a. So this is the final answer. Direction क्या होगा? Outward. सभी add होगा. डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा. तो ऊपर क्या बचेगा? फोर रूट थ्री. क्यों? क्योंकि एक रूट थ्री और एक रूट थ्री क्या हुआ? कैंसल हो गया. सो दिस इज द फाइनल आंसर ड्यू टू हेक्सागोनल. म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, फोर रूट थ्री आई अपॉन ए, फोर रूट थ्री आई अपॉन ए. दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए. आज ज्यादा हो गया, और भी बहुत कुछ है बताने को. तो आपके लिए एक होमवर्क है क्या, कि व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के कारण निकालना आपको. ठीक है, कि अगर आपका ट्राइंगल है, what is the total magnetic field at O? ठीक है, what is the total magnetic field at O? तो अगर ये current carrying conductor है और जिसका side मान लीजिए A दिया हुआ है, equilateral triangle, ये भी side A, ये भी side A, ये भी side A, तो what is the total magnetic field at O? उस तरह square अगर है, ठीक है, तो स्क्वायर का जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ओ पर करंट दिया हुआ आई. सो करंट इज व्हाट फ्लोइंग आई, और जो साइड है दैट इज व्हाट ए. Side of a square is A, side of equilateral triangle is A. So what is the total net magnetic field at the centroid of triangle and center of square? ये आपको find करना है. ये आपका homework रहेगा. ठीक है? तो अगला topic है. ठीक है. Force on a charge. Force on a charge. जब चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो कितने तरह के फोर्स उस पे लगते हैं? ठीक है, वॉट आर द फोर्सेज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इन द रीजन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा? फोर्स क्या लगता है? ठीक है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज बढ़ने से पहले पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल देखिए. ठीक है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपने देखा था क्या, मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स का वैल्यू अलग होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है? तो आपको पता है क्यू इंटू ई, और उसके कारण पाथ क्या होता है? वेरिएशन होता है पाथ में. ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए याद करा रहे. अगर ये आपका चार्ज प्लेट है, ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है आपका, मान लीजिए यहाँ पर आपने प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड दिस इज व्हाट नेगेटिव चार्ज प्लेट। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट है मतलब क्या, यहां पर एक रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कहां से कहां, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, यहां भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, तो दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे अगर आपका चार्ज पार्टिकल है, आपने थ्रो किया एक चार्ज पार्टिकल को, मान लीजिए पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, क्या ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज पार्टिकल है, तो आपने जब थ्रो किया इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है, अब इस पे फोर्स क्या लगेगा, तो बार बार फोर्स क्या लग रहा है, अपवर डायरेक्शन में, कितना लग रहा है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स का वैल्यू क्या है, एफ इज इक्वल टू, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल आपने क्या देखा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई लगता, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, एफ इज इक्वल टू व्हाट, माइनस क्यू, अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फोर्स ऑन चार्ज मतलब कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, अभी मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसको बार बार फोर्स क्या लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो पाथ था इनिशियल स्ट्रेट लाइन, तो इसमें क्या होगा, डेविएशन होगा, और ये क्या होगा आपका बात, क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है, क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर, बार बार ये क्या हो रहा, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इसको जाना था स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, अनडेविएटेड, तो यहां पर क्या होगा, डेविएशन होगा, ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई, तो इसको हम बोल रहे हैं क्या, वाई, कितना मैक्सिमम डेविएशन हुआ तो वाई हुआ। अच्छा, अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकला तो फिर ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, फिर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन नहीं, तो जहां भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर होगा इट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो डेविएशन, इसका जो यह पाथ है ये बिल्कुल यहां पर स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका जो प्लेट का डिस्टेंस है, जितना चार्ज पार्टिकल यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज व्हाट एक्स, और इसका जो भी इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी क्या आपका वी, ठीक है, तो आप सबको पता है कि एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई, फिजिकल टू व्हाट, क्यू ई, पर जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, तो एफ फिजिकल टू व्हाट, एम ए, ये भी आपको पता है, हर एक चार्ज पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो एफ फिजिकल टू व्हाट, एम इनटू ए, जब कंपेयर किए तो आपको पता है कि ए इज इक्वल टू व्हाट, क्यू ई अपॉन ए,
एक्सेलरेशन इन चार्ज पार्टिकल कैन बी गिवन एज क्यू ई अपॉन ए। अब देखिए ये जो आपका वर्टिकल डिस्टेंस है कितना ट्रैवल किया, ये हमें निकालना है, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस तो क्या लगाएंगे हम, तो आपको पता है क्या कि वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट, यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई नहीं है, आप चार्ज पार्टिकल को अलोंग वाई थ्रो नहीं किए हैं, चार्ज पार्टिकल को तो आपने हॉरिजॉन्टल मोशन दिया, हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया था। तो यहां पर यू आई क्या है आपका, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या आपका, जीरो है। तो ये वाला टर्म क्या होगा, जीरो। अब ये टर्म आपको लेना, तो इसमें टी कैसे निकलेगा, तो आपको पता है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना एक्स और वेलोसिटी क्या है वी, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो चार्ज पार्टिकल को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, दैट इज व्हाट इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, T is equal to x upon v. T is equal to what? X upon v. ठीक है, तो ये आपका है। तो यहां से क्या होगा आपका, ठीक है, यहां से T का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y is equal to what? Half ay. Acceleration is what? Qe upon m. टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या आएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। देखिए वन बाय टू क्या आपका कॉन्स्टेंट है, वन बाय टू क्या है कॉन्स्टेंट है, चार्ज पार्टिकल। तो जो चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है वैल्यू है यहां पर, वही चार्ज पार्टिकल का वैल्यू यहां पर भी होगा सेम मैग्नीट्यूड। जो क्यू का वैल्यू है दैट इज व्हाट, इनवेरिएंट इन नेचर। जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो उसका जो वैल्यू, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कॉन्स्टेंट है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कॉन्स्टेंट है। मास ऑफ पार्टिकल, मास इज व्हाट, आल्सो इनवेरिएंट इन नेचर। मास भी क्या आपका, जब भी पार्टिकल रेस्ट पर है या मोशन में है तो उसका मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी क्या है कॉन्स्टेंट है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या है कॉन्स्टेंट। तो वाई इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मतलब क्या, पैराबोलिक नेचर है, ठीक है। जो पाथ है दैट इज व्हाट, पैराबोलिक इन नेचर, पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर, पाथ इज व्हाट, पैराबोलिक इन नेचर। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, पाथ इज व्हाट, पैराबोलिक इन नेचर। तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल ट्रेवल अलोंग द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, देन द पाथ इज व्हाट, पैराबोलिक इन नेचर। पाथ क्या होगा आपका, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। अगर मान लीजिए यही प्लेट आपका ऐसा रहता, चार्ज प्लेट इस टाइप का दिया रहता कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये होता पॉजिटिव से नेगेटिव। अब एक चार्ज पार्टिकल को आपने थ्रो किया, पॉजिटिव है या नेगेटिव कुछ भी लेना है, तो इसको जाना चाहिए था इनिशियल वेलोसिटी आपने दिया भी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इसको जाना था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, पर क्या होगा, पॉजिटिव यहां पर फोर्स क्या लग रहा है, क्यूई इधर लग रहा है वर्टिकली, तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स क्यूई इसका पाथ क्या होगा, बार बार चेंज, बार बार क्या होगा चेंज, और यहां से ये बिल्कुल, ठीक है, यहां से ये बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन नहीं है, तो ये जो डेविएशन हुआ पाथ से इसको बोलते हैं वाई,
ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा विच इज वॉट पैराबोलिक इन नेचर, पैराबोला क्या ये पैराबोला, वाई इज वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक नेचर का ग्राफ आएगा कब, सिर्फ आपका जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब, मैग्नेटिक फील्ड के केस में अलग है, मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपको सर्कुलर पाथ मिलता है और हेलिकल पाथ मिलता है, तो उसके बारे में देखिए क्या होता हो, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है कि द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक इन नेचर व्हेन व्हेन देयर इज रीजन ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल ट्रेवल ओनली द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो आपको जानना चाहिए, जिसको बोलते हैं बी क्यू वी, ठीक है, लॉरेंज फोर्स, क्या बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता, ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल के एंगल पर भी डिपेंड करता हो, चार्ज पार्टिकल के एंगल पर भी वो डिपेंड करता है। अगर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए इंक्लाइंड मूव कर रहे हैं, अगर एक चार्ज पार्टिकल ये और ये इसका वेलोसिटी क्या आपका इंक्लाइंड, इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, क्या आएंगे दो कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी। तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन थीटा, और वेलोसिटी का एंगल किसके साथ लेना है, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मतलब क्या, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो जो फोर्स है वो इधर क्या आएगा, वी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा, वी साइन थीटा। तो हमेशा फोर्स वी साइन थीटा वाले कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। तो पहला लॉरेंज फोर्स क्या है कि एफ इज वॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, भाई जिस तरह ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ज्यादा लगेगा। सिमिलरली if magnetic field is stronger then it will experience the charged particle will experience more and more force, to jitna zyada aapka magnetic field hoga utna charged particle par force kya hoga zyada lagega. dusra kya, f is what directly proportional to q also, agar charge ka magnitude charge ka strength agar zyada hai to uska force kya hoga, wo khud force kya karega zyada experience karega. And third factor is what, F is what directly proportional to V of sin theta. It does not depends upon the V cos theta. It depends upon the perpendicular component, okay, of velocity with which it is making angle with the direction of magnetic field. Okay, so directly proportional to the component of velocity along a direction perpendicular to the direction of magnetic field. Perpendicular to the direction of magnetic field. तो F is what directly proportional to V sin theta. तो जब कंबाइन करेंगे यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है, स्मॉल k, और इक्वेशन क्या आएगा, B Q V sin theta. B Q V sin theta. ठीक है, पर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसका जो वैल्यू है वन होता, क्या होता है वन, ठीक है, जो आपका इक्वेशन आएगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू और वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है,
बी क्रॉस बी क्यों? क्योंकि वहां पर साइन थीटा है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, तो आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। यहां पर क्या आपका क्यू स्केलर है तो क्यू बाहर गया, क्यू और वी क्रॉस बी द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिटवीन वी एंड बी। अच्छा देखिए यहां पर आपको यहां देखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है, वी क्रॉस बी, क्या है वी क्रॉस बी, मतलब एंगल किसके बीच बन रहा है, ये जो साइन थीटा आएगा किसके बीच आएगा, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच, हमेशा याद रखना है। मान लीजिए आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है इनवर्ड, आप सबको पता ही, इसका मतलब क्या होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहा है नीचे, समझ में आ रहा ना, डायरेक्शन क्या है आपका इनवर्ड, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड डायरेक्शन में, पर आपने चार्ज पार्टिकल को कुछ इंक्लाइन थ्रो किया, ये वेलोसिटी और ये चार्ज पार्टिकल, तो अब यहां पर फोर्स कितना लगेगा, चार्ज पार्टिकल को फोर्स कितना लगेगा, तो आपको देखना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या मेरा ये और वेलोसिटी मेरा ये, तो अब मेरा एंगल क्या होगा, ये होगा थीटा, क्या होगा मेरा थीटा, ये होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एंगल क्या देखना है आपको, द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच आपको एंगल देखना, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब देखिए जो आपका इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू व्हाट, क्यू वी क्रॉस बी, तो अगर यहां पर मान लीजिए पहला केस क्या है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट वेलोसिटी ही जीरो, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो कहने का मतलब क्या, दैट इज वेलोसिटी क्या आपका जीरो, तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तो फॉर्मूला क्या, एफ इज इक्वल टू व्हाट, बी क्यू बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू व्हाट, अगर स्केलर फॉर्म में देखा जाए तो बी क्यू बी साइन थीटा, जब वेलोसिटी होगा तभी तो एंगल बनेगा, जब वेलोसिटी होगा चार्ज पार्टिकल में तभी क्या होगा, विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बनाएगा, ठीक है। तो जब आपका वेलोसिटी ही जीरो है तो फोर्स क्या होगा, जीरो, फोर्स क्या होगा आपका जीरो, तो याद रखना है एफ इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो कहने का मतलब क्या, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल में कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, याद रखना आपको, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, रेस्ट पर है, तो द स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल द चार्जेस विच आर एट रेस्ट will not experience any force, magnetic force. उस पे सिर्फ electric force तो लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए electric field भी है तो उस पर क्या होगा आपका, charge particle का पर F is equal to Q ही लगेगा, उस पे सिर्फ electrostatic force लगेगा, electric force. पर magnetic के लिए charge particle को motion में होना जरूरी है, ठीक है। आपको पता क्या, जहां भी current carrying conductor वहां पर magnetic field होगा, ठीक है। ऐसे वहां पर भी एंगल डिपेंड होता है, आपको पता है कि अगर आपका वायर है करंट कैरिंग वायर, तो उसके बिल्कुल अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट सामने है या बिल्कुल पीछे है तो भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो मोशन मतलब क्या, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, क्यू बाई टी, वहां पर क्या होगा, करंट आएगा। जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या, वहां पर करंट होगा,
और जहां भी करंट होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर एक प्रोबेबिलिटी, वहां पर एक चांस है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो वहां करंट ही क्या होगा, जीरो। जब करंट ही जीरो है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। ये ध्यान देना है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, ये स्टेटमेंट लिखना है आपको, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको। दूसरा क्या है कि अगर आपका थीटा, मान लीजिए यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री पाई, अगर थीटा आपका क्या है, मतलब जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही आपका चार्ज पार्टिकल ही मूव कर रहा है, इधर ही चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, या फिर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है और वेलोसिटी किधर है, इधर। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दैट इज व्हाट, पैरेलल टू इच अदर, एंड व्हेन द वेलोसिटी इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जब पैरेलल होगा 0 डिग्री और जब 180 डिग्री होगा, मतलब क्या, एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहां पर भी फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या है, जीरो। तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, या साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो अगेन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि जहां भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, देखिए यहां तो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां वेलोसिटी है, यहां पर चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी भी है और यहां पर रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो ऐसा नहीं कि हर रीजन में जहां भी चार्ज पार्टिकल मोशन में है वहां पर उसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, अगर वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है तो वहां पर चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स। एंड थर्ड जो है वो कब एक्सपीरियंस करेगा, तो आपका जब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, ये हमेशा याद रखना कि जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90। तो अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ये ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर एंगल क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर। सो व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इज ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे साइन थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। साइन थीटा, साइन 90 क्या होगा, 1 मैक्सिमम। It will experience the maximum force, क्या आएगा, बी क्यू, क्या आएगा, बी क्यू वी, ठीक है। तो ये याद रखना है कि जब भी आपको मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कराना है चार्ज पार्टिकल को, तो देर शुड बी सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और अगर एंगल 0 डिग्री है और एंगल 180 है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर फोर्स जहां भी जो एंगल है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री है एंड लेस देन 180 डिग्री, अगर आपका थीटा, थीटा किसके बीच, बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180, तो वहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, और 90 डिग्री में क्या होगा, मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा, 90 डिग्री में वो मैक्सिमम एक्सपीरियंस करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है।
अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी से पूछिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो वो हर कोई नहीं बता सकता। ठीक है, जो बड़े बड़े फैकल्टी है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा। तो जिनको ये फॉर्मूला पता है, लॉरेंज फोर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स क्या बोलते हैं। जो इक्वेशन है एक्चुअली में साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है लॉरेंज। ठीक है, तो अभी बता रहे आगे। तो यहां पर देखिए, अगर आपका एफ इज इक्वल टू बी क्यू भी है, एफ इज इक्वल टू व्हाट, बी क्यू भी, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको, बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी मतलब क्या, तेसला। आपको पता है कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा यूनिट क्या होता है, तेसला होता है, और सीजीएस क्या होता है, गॉस होता है। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन क्यू। तो यहां से बहुत आसानी से आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। फोर्स मतलब क्या, आप सबको पता है, एमएलटी माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, आप सबको पता है कि आई इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाय टी। तो कूलम इज इक्वल टू क्या होगा, एम्पेयर, एम्पेयर इज व्हाट, यूनिट किसका, जिस तरह आपका मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, किलोग्राम, केजी, मास, तो किसका यूनिट होता है, मास। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं हम लोग। तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, एम्पेयर सेकंड, तो एम्पेयर मतलब क्या, करंट, और टाइम मतलब क्या, टी, तो क्यू निकल गया। वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी मतलब क्या, मीटर पर सेकंड, एल टी माइनस वन। ठीक है, मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, एम। ठीक है, अब देखिए यहाँ एल और ये एल क्या हुआ, कैंसल आउट। यहाँ पर जो एल है और यहाँ पर जो एल है, क्या हुआ, कैंसल आउट। ठीक है, तो एल का पावर क्या आएगा, जीरो। एल का पावर क्या आएगा आपका, जीरो। अब यहां देखिए टी का पावर माइनस टू है, टी का पावर माइनस टू, और यहां देखिए यहां पर आपका जो टी है और यहां पे टी का पावर माइनस वन, तो यहां बेस सेम तो पावर क्या हो गया, ऐड हो गया। यहां पर बेस सेम तो पावर क्या हो गया, ऐड, यहां पर वन है और ये माइनस वन है, तो यहां क्या हो गया, जीरो हो गया। ऊपर का बचेगा तो कितना बचेगा, तो एम टी माइनस टू। क्या होगा, एम टी माइनस टू। ठीक है, और यहां पर बचा करंट, तो करंट क्या होगा, आई इनवर्स। क्या बचा, आई इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो याद रखना आपको कि एम एल टी माइनस टू, तो यहां से लेंथ और लेंथ क्या हुआ, कैंसल, तो क्या बचा, एम। ठीक है, और यहां पर आपका टी का पावर माइनस टू बचेगा, टी का पावर, एल और एल क्या हुआ, कैंसल हो गया, तो टी का पावर माइनस टू। और यहां पर आपका आई ऊपर गया, तो क्या होगा, आई इनवर्स। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा आप लोग को हम बताते हैं परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब निकालिए आप परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपको बताया गया था बायोट सावर्ट लॉ में म्यू नॉट, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए आप, सभी कोई निकालिए, अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आपको बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन एज म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। So this is what the small magnetic field due to small length of current carrying conductor. So अगर आपको mu naught का dimensional formula निकालना है, तो क्या होगा, 4 pi, तो क्या आपका radian steradian आपका dimensionless quantity है, तो यहां से क्या आएगा आपका b into r square, ठीक है, upon ideal
थीटा, थीटा भी क्या रेडियन के टर्म में मेजर होता है, तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है इसका। तो बी आर स्क्वायर अपॉन आइडियल बी। तो म्यू नॉट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस निकालना है, फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आपके सामने है क्या, तो एम टी का पावर माइनस टू एंड आई इनवर्स करंट इनवर्स एल जीरो है। आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन आई। आई मतलब क्या, करंट एम्पेयर ही सही है, तो यहां पर क्या है करंट। एंड लेंथ, लेंथ मतलब क्या एल, लेंथ मतलब क्या एल। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कितना आएगा तो एम। अब देखिए एल का, देखिए एल यहां पर और ये क्या हुआ कैंसल आउट, यहां पर एल है और यहां पर क्या आपका एल स्क्वायर था, तो एल और एल क्या हुआ गेट्स कैंसल, तो क्या बचा एल। अब यहां टी का पावर माइनस टू है, टी का पावर माइनस टू, टी का पावर माइनस टू, आई इनवर्स यहां ऊपर गया तो क्या होगा आई का पावर माइनस टू, ये आई का पावर वन है ऊपर गया तो क्या होगा माइनस वन, तो बेस सेम तो पावर ऐड हुआ, तो करंट का पावर माइनस टू, करंट का पावर क्या होगा माइनस टू। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये आपका